हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 7वां है, बुक आपकी दूसरी स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी भाई मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है, जिसके लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। पुरानी भी बुक भी पढ़ा रखी है, ये तो हमारी नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर है। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, तो एक लाइक अभी से कर दो क्योंकि आप बातें भूल जाते हो। तो सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं समाकलन। समाकलन क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे, ठीक है, और इसकी बेसिक को समझते हुए जो उदाहरण है सारे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो मैं आपको मोटा मोटी बताऊं, हमें सिर्फ दो चीज़ों का अनुमान होना ज़रूरी है, वो क्या है, पहली चीज़ है सूत्र, दूसरा है मेथड विधि। अगर आपको सूत्र पता है, तरीका पता है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। समाकलन बहुत ही बड़ी चैप्टर है, इसमें क्या होता है ना, आप धीरे धीरे सीखेंगे। कभी कभी ऐसा होगा एक क्वेश्चन को आप तीन तरीकों से भी कर सकते हो, तो ये एकदम से नहीं आता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, पहले क्या करना है, मेथड को सीखना है, और उसके बाद खुद से सोचना है क्वेश्चन में कि मैं इस क्वेश्चन को किस वे में कर सकता हूँ। और जितना रिवाइज करोगे आपका दिमाग उतना खुलेगा और आपको उतना ज़्यादा आएगा। तो ये धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं, ठीक है, क्योंकि समाकलन बहुत बड़ा चैप्टर है। तो बेसिकली समाकलन हम क्यों करते हैं, पहली बात तो ये आती है। अगर मैं आपको बोलूं भाई इसका क्या निकाल के दिखाओ, क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ, तो आप निकाल दोगे लंबाई गुणा चौड़ाई लगा के निकाल दोगे। सो अगर मैं आपसे ये बोलूं इसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ, तो भी आप निकाल दोगे पाई आर स्क्वायर लगा के निकाल दोगे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं, आपके पास एक मैंने वैसा वक्र दे दिया है, सपोज करूं, ठीक है, एक वक्र मैं बना देता हूं, जैसे ये एक वक्र है। अब मैं बोलूं भाई इस वक्र का समाकलन क्या क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ, कि ये जो वक्र है क्षेत्रफल, इस वक्र का क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ कि कितना होगा। अब तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, ये वक्र क्या है, हमें तो पता ही नहीं भाई ये किस आकार का है। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स होते हैं उनका क्षेत्रफल, जैसे समाकलन से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, बहुत सी चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ज़्यादातर क्या सीख रहे हैं, क्षेत्रफल के बारे में। तो इस वक्र का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो दो तरीके से निकाल सकता हूँ। हो सकता है कि मुझे इस वक्र की लिमिट पता हो कि ये जो वक्र है एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक जा रहा हूँ, और हो सकता है इस वक्र का मुझे लिमिट भी ना पता हो, ठीक है। तो उस हिसाब से हम समाकलन को दो तरीकों से डील करते हैं, वो क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, समझते जाओ। तो समाकलन का जो सिंबल होता है भाई वो क्या होता है, वो ये सिंबल होता है, एस टाइप से बनता है। ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है, ये समाकलन का चिन्ह है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ एक्स और यहाँ मैं लिख देता हूँ डी एक्स, तो इसका मतलब जानिए, इसका मतलब क्या है, समाकलन चिन्ह का मतलब वो समाकलन हमें करना है, और ये x dx का मतलब क्या हुआ है, जैसे आप अवकलज कर देते ना x के सापेक्ष अवकलज करने पर, t के सापेक्ष अवकलज करने पर, यहाँ जो dx हमें ये बता रहा है कि मुझे जो अवकलज करना है वो x के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, ठीक, और x को छोड़कर बाकी सारे जो चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। और ये जो फलन है, इस फलन का हमें समाकलन करना है, ये हमारा क्या है, फलन है, ये हमारा समाकलन का चिन्ह, ठीक है, ये क्या है, समाकलन का चिन्ह। बताइए भाई यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई डाउट। मैं देखो टिपिकल लैंग्वेज नहीं यूज करूँगा, जो प्रैक्टिकल वे है वही बता रहा हूँ, ठीक है, जो हमें बोर्ड्स में जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी ग्राफिकल अप्रोच बना के आपका दिमाग ख़राब नहीं करना, मुझे सिंपल रखना चीज़ों को। तो ये हमारे पास एक फलन होगा dx, या फिर जो भी लिखा होगा dy, d के बगल में जो लिखा होगा ना उसी से मतलब है कि उसके सापेक्ष अवकलज करना है, ठीक है, मतलब उसको छोड़कर बाकी सबकी सब चीज़ें क्या होंगी, कॉन्स्टेंट हो जाएंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर है साइन एक्स और गुणे में यहाँ ए है और यहाँ मैंने लिखा है डी एक्स। तो देखो भाई साइन एक्स मेरा फलन हुआ, साइन एक्स मेरा क्या हुआ, फलन।
ए मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, ए मेरा हो जाएगा कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं हिंदी में अचर, ठीक है। तो अचर क्या होता है, समाकलन के बाहर आ जाता है, ठीक है। अचर देखो, जैसे अवकलज में फंक्शन होता है और कांस्टेंट होता था, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता था, फलन का अवकलज करते थे। वैसा ही नियम आपको समाकलन में भी होता है। यहाँ से क्या होगा कि आपका अचर बाहर आ जाएगा, जो भी आपका फलन अंदर है उसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक से चीजें हैं। अब देखो, मैंने कहा समाकलन दो प्रकार की होती है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं समाकलन के प्रकार। ठीक है, दो टाइप के समाकलन होते हैं। एक होता है निश्चित, निश्चित समाकलन, और एक होता है अनिश्चित समाकलन। नंबर टू क्या होता है, अनिश्चित समाकलन। और आज के जो है प्रश्नावली हम पढ़ने वाले 7.1 या, ठीक है, वहाँ वो हम पढ़ने वाले अनिश्चित समाकलन, ठीक है। निश्चित समाकलन का अगर मैं बताऊँ, जैसे ये मैंने एक ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, ये ग्राफ है वाई बराबर, मैं मान लेता हूँ ये एफ एक्स करके ग्राफ है, और इसकी मुझे लिमिट पता है, किसकी लिमिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक्स बराबर ए है और ये एक्स बराबर बी है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, जो भी इंटीग्रेशन एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी, कि एक्स की लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही है, फंक्शन में रखें एफ एक्स डी एक्स। मान लेते हैं इसका जो समाकलन करके एक आंसर जो आएगा ना, वो आएगा कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। अब दूसरा देखिए भाई, दूसरे में क्या डिफरेंस है वो भी हमें बताइए। चलिए मैं आपको दूसरे वाले बताता हूँ। देखो मेरे पास एक वक्र है, ये है y बराबर एफ एक्स। अब इसमें मुझे लिमिट नहीं पता कि x की लिमिट यहाँ से कहाँ तक जा रही है, लिमिट मुझे नहीं पता, इसमें फंक्शन पता है सिर्फ, तो क्या होगा एफ एक्स डी एक्स। तो इसका समाकलन कैपिटल एफ एक्स आया माना, तो इसमें क्या होता है, प्लस c ऐड करना होता है, समाकलन नीतांक जोड़ना होता है इसमें, ये डिफरेंस है। जब आपको लिमिट दी होगी तो उस केस में आपको समाकलन नीतांक नहीं जोड़ना है, ठीक है, आपको एग्जैक्टली पता है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है। और अनिश्चित समाकलन में क्या होता है, आज देखो यहाँ समाकलन करेंगे तो प्लस सी हमें जोड़ना होता है और लिखना भी पड़ेगा एंड में बाद में, जहाँ सी एक समाकलन नीतांक है। अगर ये आप नहीं लिखोगे तो इसके नंबर आपके कटेंगे, ठीक है। तो आपको इस पूरे चैप्टर में दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़नी है, एक है निश्चित समाकलन और एक है अनिश्चित समाकलन। अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन। आई थिंक 7.1 से 7.9 तक आपका अनिश्चित समाकलन है और उसके बाद निश्चित समाकलन है, ठीक है। बस निश्चित में इस लिमिट का फर्क होता है, ठीक है, बाकी सब कुछ मेथड वेथड सब सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक मिलते जुलते ही हैं, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, वो हम बाद में सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप हम सीखते रहेंगे। तो अभी आपने सीखा कि भाई समाकलन क्या होता है, समाकलन की हम जरूरत क्यों पड़ी, समाकलन का चिन्ह क्या है, एफ एक्स क्या होता है, डी एक्स क्या होता है, समाकलन के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बोला अगर आपको समाकलन सीखनी है तो दो चीज़ें आनी है, एक है सूत्र और दूसरा है तरीका, ठीक है। आप सूत्र तो याद करना ही करना है, अगर आप सोचोगे आज नहीं करूँगा छोड़ देता हूँ, मैं कल याद करूँगा, परसों याद करूँगा या एग्जाम से पहले याद करूँगा, लिख के देता हूँ, वो सूत्र कभी याद नहीं होगा। अगर आपका प्लान है कि मुझे सिर्फ ट्वेल्थ में ही नहीं, मुझे फ्यूचर में भी गणित से लेकर आगे पढ़ाई करनी है, मुझे बी टेक करना है, मुझे एम एस सी करनी है मैथमेटिक्स से, तो ये सूत्र आपको ज़िंदगी भर हेल्प करेंगे, इस पर अलग अलग किताबें मिलेंगी आपको आगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कक्षा 12 में समाकलन और अवकलन मिलाकर 50 नंबर का आता है पेपर, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हैं। अवकलज आप अभी पढ़ के आए हैं, देखो समाकलन को हम प्रति अवकलज भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं। समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। आप डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव पा सकते हैं और एंटी डेरिवेटिव से आप डेरिवेटिव पा सकते हैं, ठीक है। ये मान के मैं चल रहा हूँ कि
कि आपको अवकृष के सारे सूत्र याद हैं। अब देखिए, सबसे सारा मेन काम है सूत्र का। सबसे पहला सूत्र ये वाला, देखिए, एक्स की पावर एन डी एक्स जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स की पावर में एन प्लस वन जोड़ना है, बट्टे में वही पावर आ जाना है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया, दूसरा कलर चूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ इंटीग्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स का निकालो, तो एन की जगह पर क्या टू है, तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, बट्टे में भी थ्री आ जाएगा, प्लस सी हमें जोड़ देना है, ठीक। तो ये होता है इसका, इस सूत्र से ये वाला, इस टाइप की इंटीग्रेशन, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर कुछ भी हो, आराम से हो जाएगा। मेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, समाकलन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सूत्र, फिर बाद में आता तरीका। आपको कभी कभी क्या होगा, तरीका आता हो, आता होगा लेकिन सूत्र नहीं पता हो, तो साफ मैं तो तरीके से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको बोलता हूँ, सूत्र को बोलता हूँ। तरीका तो सिंपल है, सूत्र याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे सूत्र हो जाएंगे, तो सूत्र लिख लिख के चार्ट बना के दीवारों में चिपका दो, ठीक है। इसका हो गया, अब आ जाते हैं, देखिए इसका हो गया ना, अब दूसरे वाले पे आ जाओ, सूत्र दूसरा सूत्र क्या है, डी एक्स, अगर सिर्फ डी एक्स हो, सिर्फ डी एक्स हो या फिर वन डी एक्स हो, ठीक है, तो सिर्फ अगर डी एक्स का इंटीग्रेशन की बात करें ना, तो क्या होता है, एक्स होता है, प्लस सी तो लगाना ही लगाना है क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है, तो सी को तो भूल ही जाओ, सी को मैं काउंट नहीं करूँ, वो तो लिखोगे लिखोगे, सिर्फ डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। देखो साइन एक्स का अवकलज क्या होता था, कॉश एक्स, तो कॉश एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स। देखो उसके बाद कॉश एक्स का जो अवकलज होता था वो माइनस के साइन एक्स होता था, और साइन एक्स का समाकलन माइनस के कॉश एक्स होता है। अगर आपको अवकलज के सूत्र भी याद है ना, तो समाकलन का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखो टेन एक्स का अवकलज क्या होता था, शेक स्क्वायर एक्स, तो शेक स्क्वायर का समाकलन क्या है, टेन एक्स, देख रहे हो। देखो कॉटेक्स का अवकलज होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस के कॉटेक्स, ठीक है। उसके साथ साथ सेक एक्स का अवकलज होता था सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, ठीक है। कॉशेक एक्स का अवकलज होता था माइनस के कॉशेक कॉटेक्स, और कॉशेक एक्स कॉटेक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस के कॉशेक एक्स। इधर वाला याद है, उधर वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लेकिन याद करना है, ये नहीं कि बाद में याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिलहाल अभी हमें इन सूत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ, इन सूत्रों की अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन आगे की प्रश्नावली में पड़ेगा, तो यहाँ पर ये याद करके लिख लेना। देखो कैसे, साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलज होता था एक बट्टे अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो इसका अवकलज क्या होगा, सॉरी इसका समाकलन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। उसी तरीके से इसका अगर यहाँ माइनस होता था वही चीज, तो कॉस इनवर्स होता था, तो अगर इसी चीज़ को अगर माइनस के फॉर्म में लिखना है मुझे, तो यहाँ लिखूंगा मैं माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। देखो फिर डी एक्स बट्टे में वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो टेन इनवर्स होता है, इसी को अगर माइनस के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। देखिए इस, देखो इसका जो समाकलन है सेक इनवर्स होता है प्लस के फॉर्म में, अगर मैं माइनस के फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स आएगा। इक्की पावर एक्स का जो अवकलज होता था, इक्की पावर एक्स होता था, और इक्की पावर एक्स का जो समाकलन होता है वो भी इक्की पावर एक्स होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता ये भी कह सकता था कि भाई ये सूत्र है इसको याद कर लेना, तो आप याद करने लगे, लेकिन मैं आपको समझाते हुए याद करवाने की ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। देखो लॉग एक्स का अवकलज क्या होता था, एक बट्टे एक्स, और एक बट्टे एक्स का लॉग एक्स समाकलन होता है। अब आप सोचोगे सर इस एक्स को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ, है ना, अगर इस एक्स को हम ऊपर ले जाएं तो एक्स की पावर माइनस के वन बन जाएगा, तो क्या हम इसमें ये वाला सूत्र नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, पूछो क्यों। जैसे ही आप ये वाला सूत्र लगाओगे,
तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस जो भी पावर होता है ना उसमें एक जोड़ देते हैं, माइनस वन प्लस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। और किसी के बट्टे में जीरो हो वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है ना, तो इसी वजह से नहीं लगा सकते। और इसकी इसी वजह से इसका एक पर्टिकुलर सूत्र है कि एक बट्टे एक्स का जो समाकलन होता है वो लॉग एक्स होता है। एक्स को मॉड में लिखा जाता है, ठीक है, ये जो राशि है वो ऑलवेज हमेशा धनात्मक होगी, इसीलिए मॉड का सिंबल है। और एक ही पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, एक ही पावर एक्स बट्टे में लॉग ए होता है, बट्टे में क्या होता है, लॉग ए होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो यहाँ से एक ही पावर एक्स का एक ही पावर एक्स बट्टे में लॉग, जो ए कॉन्स्टेंट होगा वो आ जाएगा लॉग के साथ, लॉग ए। तो जितना कॉपी में आप लिख लिख के याद करोगे, जितने क्वेश्चन बनाओगे उतने ज़्यादा आपको दिमाग में सूत्र याद रहेंगे। ठीक है, सूत्र पता चल गया हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा मेन काम मैंने पहले ही बोल दिया है, सूत्र प्लस मेथड, दो चीज़ अगर आपको आती हैं तो आप समाकलन का कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए देखो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए, निरीक्षण विधि में ना अवकलज देखना होता है। तो अभी हम समाकलन सीख रहे हैं, अभी मैं आपको निरीक्षण विधि बताने लग जाऊँ ना तो आप टॉपिक से थोड़ा भटक जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, निरीक्षण विधि बताऊंगा लेकिन इस वीडियो के एंड में, अभी हम सीखेंगे समाकलन। ठीक है, सो पहले वाले पे आ जाते हैं। भाई अगर सूत्र याद है ना, आप खुद देखोगे कि समाकलन कितनी ज़्यादा आसान है, आपको इससे आसान कुछ नहीं लगेगा। कोई भी समाकलन हो हमेशा उसको आई मान लेना है, ये चीज़ हैबिट में डाल दो। किसका निकालना है, कॉस टू एक्स का, ठीक है, एक्स है तो डी एक्स ऑटोमेटिकली आ जाना है, क्योंकि फलन में एक्स में जा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली डी एक्स आ जाएगा, प्रश्न में नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखो समाकलन का सूत्र जिस बच्चों को पता है उसके लिए प्रश्न एकदम मक्खन है, ठीक है, हलवा है। आपको सूत्र में लिख के दिखाता हूँ कि आपको पता है कॉस एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। ठीक है, आप माइनस का नहीं होता है, कॉस एक्स का अवकलज माइनस साइन एक्स होता था, लेकिन यहाँ समाकलन की बात हो रही है, साइन एक्स होता है, प्लस सी मैं नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, प्लस सी मैं नहीं लगा रहा हूँ। सो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक्स के जगह पर यहाँ क्या है, टू एक्स। अवकलज में क्या होता था कि जो एक्स का गुणज होता था वो गुणे में लगता था, समाकलन में भाग में चला जाता है। ठीक है, एक्स का गुणज यहाँ कितना है, टू, वो आ जाएगा भाग में, खत्म, प्लस सी। और यहाँ लिख देना जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। हर बार आपको ये लिखना होगा, मैंने यहाँ लिखवा दिया है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, प्लस सी जब भी लिखोगे आपको नीचे ये लाइन ज़रूर लिखनी है, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। आ गया, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए सेकंड वाला पार्ट है आई मान लेना है, मैंने आपको पहले ही बोला हैबिट में डालना सीखो। आई क्या है हमारे पास, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब, ये चीज़ है। ठीक है, डी एक्स समाकलन क्या होती है, आप अलग अलग फंक्शन में ले सकते हैं, प्लस में है माइनस में, आप इस अलग अलग फंक्शन में ले सकते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिटेल में करा रहा हूँ बिल्कुल एकदम, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, ऐसे इसके साथ भी और उसके साथ भी, समाकलन इसके साथ भी आ गया और इसके साथ भी आ गया। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि फंक्शन के साथ, देखो हमारा यहाँ क्या है, डी एक्स है, यानी एक्स फलन है, बाकी उसको छोड़ के क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है हमेशा, तो कांस्टेंट यहाँ से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ से फोर बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये सूत्र बन गया x की पावर n वाला, अभी जो मैंने आपको लिखवाया था, क्या होता है x की पावर n वाला, कि भैया जो भी x की पावर में है वो एक जोड़ देना है,
और वही नीचे भी आ जाएगा प्लस सी। तो यहाँ से क्या होगा, देखो टू है तो टू में एक पावर जोड़ देंगे, यहाँ क्या है थ्री में एक पावर जोड़ देंगे। मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, जैसे ही समाकलन खत्म हो जाए वैसे ही आपको क्या करना है, सी जोड़ देना है। तो यहाँ थ्री एक्स की पावर थ्री, यहाँ पे बट्टे में थ्री, फोर एक्स की पावर फोर बट्टे में फोर प्लस सी, थ्री से थ्री कटा फोर से फोर कटा, ठीक है। तो यहाँ आपका जो उत्तर आ गया एक्स की पावर थ्री एक्स की पावर फोर प्लस सी, जहाँ सी हमारा क्या है, एक समाकलन नियतांक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, एकदम हलवा है तीसरा वाला। माना ये आई है एक बट्टे एक्स, ये तो डायरेक्ट सूत्र है, एक बट्टे एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, लॉग मॉडुलस का एक्स प्लस सी। अच्छा एक चीज़ मैं अपनी तरफ से और ऐड कर देता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने खुद बना दिया है अभी, इसी को देखा जाएगी। अगर यहाँ एक एक्स प्लस वन लिख देता हूँ तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, एक बट्टे एक्स का सूत्र तो बताया हमें लेकिन एक बट्टे एक्स प्लस वन के लिए क्या होगा। सो मैं आपको बता दूँ, ऐसे कोई नहीं बताएगा टीचर, देखो ये एक्स क्या है, एक्स की घात कितनी है एक, रैखिक है, और इस एक्स की घात कितनी है एक है, कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये भी रैखिक है, तो ये भी एक्स की तरह व्यवहार करेगा, किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक्स की तरह व्यवहार करेगा। जैसे ये एक्स की तरह व्यवहार करेगा तो ये वाला सूत्र इसमें भी लग जाएगा, लॉग मॉडुलस के एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है। आ गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। अब एक चीज और है, एक चीज क्या है, अगर भैया हम मान लेते कि यहाँ x के साथ 2 होता तब क्या करते आप, तो कोई बात नहीं 2 इसके साथ है तो x का जो गुणज होता है वो बट्टे में लग जाता है, टोटल के बट्टे में, फिर मैं 2 लिख देता हूँ। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, एक सूत्र से रिलेटेड जो भी हो रहा है उससे और जो बन सकता है वो भी बता दे रहा हूँ, ताकि आपको आगे प्रश्नावली जब हम करेंगे तो हर चीज़ क्लियर रहे, और कोई क्वेश्चन तो हट के भी आ जाए तो हम वहाँ पर आराम से उस क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ, ठीक है। तो जो भी पॉसिबिलिटी है वो लगे हाथ में बता दे रहा हूँ। उदाहरण नंबर दो पे आ जाते हैं, हमसे बोला निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, यहाँ कुछ नहीं बोला है, और प्रश्न में जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना सिर्फ समाकलन लिखा होगा, कौन सा नियम लगाना है क्या करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इस प्रश्न पर आ जाओ, आई माना है हमने, इंटीग्रेशन क्या है एक्स की पावर तीन, ये चीज अलग अलग ले लेंगे, एक्स की पावर थ्री अलग अलग बट्टे में ले ले रहा हूँ मैं, यहाँ डी एक्स और एक के बट्टे में एक्स स्क्वायर डी एक्स, काटेंगे इसकी घात दो है इसकी घात तीन है तो एक घात बचेगा, तो ये आ गया एक्स की पावर सिर्फ वन, और एक्स की पावर टू है ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस के टू, ठीक है। अब देखिए आपको पता है ये किस रूप में आ गया, इस सूत्र के रूप में आ गया, एक्स की पावर एन डी एक्स के सूत्र में आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन कर रहे हो तो समाकलन हट जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन बट्टे एन प्लस वन यही होता है, लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर जो भी उसमें एक पावर जोड़ दो, एक में एक जोड़ेंगे दो, जो पावर x में आती है वही बट्टे में आ जाती है, यहाँ देखो माइनस टू में एक जोड़ेंगे और यहाँ माइनस टू में एक जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ये एक्स स्क्वायर बट्टे में दो, और ये यहाँ से माइनस के वन आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया x की पावर माइनस के वन, इसको ढंग से लिख देते हैं, ये x की पावर टू, ये एक बट्टे x हो जाएगा प्लस c, जहाँ c हमारा क्या है एक समाकलन नियतांक है। ये लाइन आपको हर बार लिखनी है, मैं एक बार लिखा दिया है बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आपको लिखना है। सेकंड वाले में आ जाओ प्रश्न में, आई मान लेते हैं, देखो अभी तो आपकी अभी आपको आई की इम्पोर्टेंस पता नहीं है, है ना, ठीक है ना, आपकी वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन आपको एक्स को पता नहीं है, लेकिन बाद में पता चलेगी, ऐसा होता है इसमें भी, आई की वैल्यू तुम्हें अभी नहीं पता चल रही है, आगे जब प्रश्नावली में पढ़ोगे ना पता लगेगा कि भाई आई कितना इंपॉर्टेंट था
सर क्यों बोल रहे थे कि आई की हैबिट डाल लो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेंगे। तो 1dx या फिर सिंपल dx से कम dx, ठीक है। तो ये किस सूत्र के रूप में है, x की पावर n के रूप में है, तो क्या होगा, जो भी पावर में है उसमें एक जोड़ देंगे, बट्टे में भी वही पावर आ जाता है। और dx का समाकलन क्या होता है, सिर्फ x प्लस में c जोड़ दो। अब दो तीन कम तीन और दो पाँच, x की पावर 5/3 और ये भी है 5/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 यहाँ से, और यहाँ आ जाएगा x की पावर में 5/3 प्लस में x प्लस c। ये आपको आपका उत्तर मिल गया, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, आप खुद देख रहे हैं, सूत्र और मेथड समाकलन में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाले पे आ जाओ, ठीक है। थर्ड वाले में हमने क्या मान लेना है, आई मान लेना है, हमारे पास है x की पावर 2/3, 2e की पावर x, 1/x, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग मान लेंगे, अलग अलग ले रहे हैं इंटीग्रेशन को, 2/3 dx, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1e की पावर x और 1/x dx। देखिए ये वाला सूत्र, x की पावर n वाला, ये 1e की पावर x का सूत्र और ये 1/x का सूत्र, सारा खेल सूत्र का है। तो यहाँ लग जाएगा x की पावर, जो भी उसमें एक जोड़ देंगे, बट्टे में वही आ जाता है, 1e की पावर x का इंटीग्रेशन 1e की पावर x होता है, ठीक है। माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस का x, इंटीग्रेशन का तो हम c जोड़ देंगे। तो इसको जस्ट अभी आपने किया था, 2 + 1 = 2 और ये 3 + 3 और 2 = 5, तो ये 3/5 आया था, और ये x की पावर क्या जाएगा, 5/3, ये 2e की पावर ex, ये लॉग मॉडुलस का x प्लस c, जहाँ c हमारे क्या है भाई, समाकलन नियतांक है। आराम से हो गया। तीसरे प्रश्न में आ जाओ, बहुत ही आसान प्रश्न है। सो देखिए तीसरे वाले में ये है sin x प्लस cos x, ठीक है, और यहाँ है dx, इंटीग्रेशन अलग अलग लेंगे, यहाँ से sin x, sin x dx प्लस cos x dx। देखिए sin x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है ये डायरेक्ट, इसका होता है माइनस के cos x, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, इंटीग्रेशन का तुम c जोड़ दो। इतना आसान था, ठीक है। सेकंड वाले में आ जाओ, क्या है हमारा, ये cosec x ब्रैकेट है, cosec x प्लस cot x dx, ठीक है, सारा खेल है सूत्र का। तो देखो वैसे cosec x गुणे में है, तो अंदर गुणा करो, ब्रैकेट के बाहर है ना, तो अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा प्लस cot x इंटू cosec x। बताइए यहाँ तक आप लोगों को किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इंटीग्रेशन हम अलग अलग ले लेंगे, यहाँ से cosec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर है cot x इंटू में cosec x dx। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cot x, ठीक है, प्लस cot x इंटू cosec x है, तो इसका क्या होता है, माइनस के cosec x, ठीक है, इंटीग्रेशन का तुम c जोड़ देंगे। सूत्र से ही लगाया ना हमने, एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। cosec x cot x का जो सूत्र है हमने सही लगाया, वो मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ सही है, ठीक है, अगर रीचेक करना बनता है, गलती इंसान से ही होती है, मैं भी इंसान हूँ, भगवान तो नहीं। देखो टीचर को सूत्र याद रहे ना रहे,
आपको सूत्र याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे नहीं। मेरा काम है आपको तरीके समझाना, ठीक है, मेथड समझाना, कॉन्सेप्ट समझाना, ये मेरा काम है। हो सकता है मेरे कभी कभी एक आध कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, लेकिन मैं कभी भी आपको कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा। कैलकुलेशन मिस्टेक तो इंसानों से ही होती है। ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे टोक देते हैं, सर यहाँ गलती हो गई सुधार दो। अब यहाँ क्या होता है, टोकने वाला कोई नहीं है, इसीलिए आप समझ सकते हैं, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्या है, आपको सोचना है दिमाग लगाकर, क्या जो फंक्शन मुझे दे रखा है इसमें कोई सूत्र लग रहा है। अगर नहीं तो फंक्शन को उस सूत्र के रूप में डालने की कोशिश करनी है। जैसे ये वाला प्रश्न है, अभी किसी भी जो भी सूत्र अभी हमने याद किया है किसी भी सूत्र के रूप में नहीं दिख रहा है, तो अभी हमें तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग भट्टा लेना पड़ेगा, उस सूत्र के रूप में डल सकता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तीसरा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा भी गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग भट्टे में ले लेंगे, ठीक है। एक ही इसी स्टेप में कर दे रहा हूँ, ये मैंने अलग अलग भट्टे ले लिया। आपको पता है एक भट्टे कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। और इसको मैं लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आप खुद ही बताइए। लिख सकता हूँ शेक स्क्वायर, देखो टेन एक्स का जब आप समाकलन अवकलज कर देते तो आपको शेक स्क्वायर एक्स मिलता था, यानी कि शेक स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, टेन एक्स। और यहाँ से देखिए, इसको तो पहले सिंप्लीफाई करना है, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, और वन एक बट्टा कॉस एक्स का क्या होता है, एक बट्टा कॉस एक्स का जो समाकलन हो, अब एक बट्टे कॉस एक्स क्या होता है, शेक एक्स होता है, ठीक है। अब इसका समाकलन तो ऑलरेडी हो चुका है, तो हम वैसे का वैसे रखेंगे। शेक एक्स का प्लस क्या होता था, शेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी कि शेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होगा, शेक एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, से ही जोड़ देंगे, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक, आराम से हो गया। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में, चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो उदाहरण नंबर वन मैंने लिखा है, अब मैं आपको इसके बाद निरीक्षण विधि सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा फलन है, परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज f ज्ञात कीजिए, जहाँ f 0 3 है। इस एफ एक्स का प्रति अवकलज को हम f से प्रदर्शित करेंगे, ये बोल रखे प्रश्न में, ठीक है। तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, हमें एफ एक्स यानी कि 4x³ माइनस 6 का क्या निकालना है, समाकलन निकालना है, और इसको हम क्या कहेंगे, f कहेंगे, एफ एक्स, इसके समाकलन को हम एफ एक्स कहेंगे, ये प्रश्न में बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ डी एक्स लगा देंगे, समाकलन क्या करेंगे हम, अलग अलग ले लेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ डी एक्स, इस समाकलन को हम क्या कह देंगे, एक्स, एफ एक्स, ये प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। अब देखो एक्स की पावर एन वाला सूत्र लगेगा इसमें, कि एक्स की पावर एन वाला सूत्र क्या होता है, एक्स की पावर में जितनी है उसमें एक जोड़ो और वही पावर नीचे आ जाता है, छः। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, ठीक है, प्लस सी लगा देंगे। तो यहाँ से देखो तीन और एक चार, चार से चार कटा, एक्स की पावर आ गया 4, यहाँ से 6x प्लस सी, और ये हमारा है एफ एक्स। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रश्न में जब भी ऐसी कंडीशन दी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, सी के मान को हटाना पड़ता है, सी के मान को हटाना पड़ता है। समीकरण इसको एक मान लो, तो यानी कि चूँकि एफ ज़ीरो बराबर क्या दे रखा है प्रश्न में, तीन, यानी कि एक्स के जगह पर ज़ीरो रखो, रख दिया एक्स के जगह पर ज़ीरो, ज़ीरो, तो एफ ज़ीरो कितना दे रखा है, तीन, यहाँ तीन रख देंगे, ये ज़ीरो ज़ीरो, ये हो गया सी। तो सी का मान आ गया 3, हमें क्या करना है, सी के मान को उठाना है, समीकरण एक में रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे सी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, रख देंगे तो क्या हो जाएगा,
fx बराबर x की पावर 4 6x प्लस 3, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में आप दो टाइप के सोल्यूशन निकालना सीखोगे, एक है जनरल सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जिसमें c लगा होता है ना, वो होता है जनरल सोल्यूशन। जब हम c को हटा देते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, प्रश्न में जो कंडीशन दिया होता है, तो जो सोल्यूशन हमें मिलता है उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, ये भी जान लो, वो हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब आ जाते हैं उदाहरण नंबर 1। ये मैंने रोक के रखा था, इन क्वेश्चन को हमने सिंपल विधि से किया था, अब इसने स्पेशल मेथड बोल दिया है, निरीक्षण विधि। आप खोल के देखोगे ना यूट्यूब, कोई भी टीचर इस विधि से नहीं बताता है, लेकिन मेरा काम है नॉलेज देना, आपका काम है नॉलेज देना। हालांकि मैं बता दूं, इस विधि से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ना के बराबर है, 99% नहीं आएगा, 1% जहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो सीख लो, आसानी है। तो निरीक्षण विधि में क्या होता है, हमें जो भी फंक्शन दिया होता है, हमें ये सोचना है कि हम वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका मैं अगर अवकलज करूं तो ये मुझे मिलेगा, ये सोचना होता है निरीक्षण विधि में। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समाकलन cos 2x dx का। ठीक है, तो निरीक्षण विधि में क्या होता है, चूंकि करके लिखते हैं d बट्टे dx, फंक्शन सोचना है, प्लस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो, अगर sin 2x का हम अवकलज करेंगे तो हमें cos 2x मिलता है, तो ये लिखेंगे sin 2x। ठीक है, यह निरीक्षण विधि यही होती है कि ये हम सोच रहे हैं, यानी कि निरीक्षण कर रहे हैं, तभी इसका नाम पड़ा है निरीक्षण विधि। अब साइन का अवकलज क्या होता है, cos x, x की जगह पर क्या है 2x। ठीक, और x का गुणज क्या है 2, वो क्या लग जाता है गुणे में, क्योंकि अवकलज में गुणे में लग जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हमें क्या करना है, समाकलन कर देना है दोनों तरफ। ठीक है, समाकलन करने पर देखिए, समाकलन करने पे क्या होगा, ये समाकलन का चिन्ह है, ये d बट्टे dx, यहाँ है sin 2x, और इधर भी समाकलन का चिन्ह लग जाए cos 2x गुणे में 2। अब देखो क्या होता है, ये जो dx है ना, वो बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में। ये d का मतलब होता है डेरिवेटिव, और ये इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो दो जानी दुश्मन है, एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती, वही हिसाब है कि भाई एक जगह पे जो दो जानी दुश्मन कभी नहीं रह सकते, तो ये और ये एक दूसरे को हटा देते हैं। सिंपल क्या बचेगा यहाँ से, sin 2x, और ये जो गुणे में था इधर रखे क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, और ये जो dx होता है वो इधर आ जाता है, बट्टे का था इधर आके गुणे में लग जाएगा। तो यही तो मुझे ज्ञात करना था, और इसका समाकलन क्या होता है, sin 2x बट्टे 2, ये हमने पहले भी निकाला था, आप चेक करके देख सकते हो, यही आया था। ठीक है, तो निरीक्षण विधि यह होती है। दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, जैसे ये वाला है और ये वाला है ना, तो हम क्या करेंगे, अभी कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, फंक्शन को लेकर चलो। ठीक है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है 3x² + 4x³, है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x² dx एंड 4 बार आ जाएगा x³ dx। इसका मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना, किस विधि से, निरीक्षण विधि से। तो क्या हो जाएगा, देखो चूंकि एक्स स्क्वायर है, तो मैं फंक्शन कौन सा लूँ कि मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो जब भी स्क्वायर स्क्वायर एक्स में बात होगा ना, तो एक पावर बढ़ा लो, 2 है तो पावर 3 कर लो। अब क्लच करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x². ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब लगे याद कर देता हूँ, ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ क्या है x³, और x² ये बट्टे में इधर के गुणे में लग जाएगा। फिर क्या करना होता है, दोनों तरफ समाकलन, तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ
समाकलन करने पर, तो जैसे ही दो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो d इधर से हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 3 बट्टे में 3, और यहाँ से इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, इधर समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, इधर से समाकलन लगने के वजह से d हट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे ये मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे आ जाऊँ, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको 2। पुनः हमारे पास क्या है, अब इस वाले का करना है तो एक पावर बढ़ा लो, d बट्टे डी एक्स एक्स की पावर 4, तो क्या होगा, अब क्लच करना हो तो एन एक्स एन माइनस 1 होता है, 4 सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। फिर देखो यहाँ पर d एक बट ये 4 गुड़े में इधर बट्टे में आ गया, ठीक है, और यहाँ एक्स क्यूब और ये जो बट्टे का dx था इधर गुड़े में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, तो जैसे ही समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर ये d हट जाएगा, तो x की पावर 4 बट्टे 4 बचेगा, और यहाँ से आ जाएगा x की पावर 3 dx, और समाकलन का चिन्ह लग गया, तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, ये लिख देंगे, तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, यहाँ मान रख दो और फिर हल करो, 3 इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, x की पावर 3 बट्टे 3, और 4 इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, x की पावर 4 बट्टे में 4, ठीक है, प्लस सी तो होता ही है, यहाँ आ गया x की पावर 3 x की पावर 4 प्लस सी। निरीक्षण विधि में ना लंबा आ जाता है थोड़ा कैलकुलेशन, और नॉर्मल इंटीग्रेशन 2 लाइन में हो गया था, और इसमें देखो कितना बड़ा हो गया। ऐसे ही थर्ड वाला करते हैं, हमारे पास क्या है, एक बट्टे एक्स है कि नहीं, तो किसका अवकलज करने पे हमें एक बट्टे अवकलज मिलता है, एक बट्टे एक्स मिलता है, डी बट्टे लॉग एक्स का अवकलज करने पर हमें एक बट्टे एक्स मिलता है, लॉग एक्स का अवकलज एक बट्टे एक्स होता है। दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो पहले प्रॉपर लिख लेते हैं डी लॉग एक्स एक बट्टे एक्स, यहाँ आ गया डी एक्स। फिर क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है, समाकलन और डी, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना था, समाकलन और डेरिवेटिव एक साथ नहीं रह सकते, हट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स, ठीक है, तो एक बट्टे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, लॉग एक्स को प्रॉपर वे में लिखा जाता है लॉग मॉडुलस एक्स, हो गया। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को नॉर्मल विधि से भी बताया था स्टार्टिंग में, और अभी आपको मैंने निरीक्षण विधि से भी बता दिया, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने सीख लिया है, ठीक है। इसके बाद हम इस वीडियो के बाद में 7.1 पढ़ाऊंगा, 7.1 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया होगा, तो उसकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेन काम क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेन काम है दो चीज़ क्या है हमारे पास, एक तो हमें सूत्र पता होगा, अगर आपको इंटीग्रेशन आना है, इंटीग्रेशन आप तभी सीख पाओगे जब आपको दो चीज़ पता होगी, नंबर एक फॉर्मूला, नंबर सेकंड चीज़ आपको क्या पता हो, मेथड तरीका, फिर आपको इंटीग्रेशन आने से कोई नहीं रोक सकता, है कि नहीं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ प्रैक्टिस आपको ढेर सारी करनी पड़ेगी, आपको रिवीजन ढेर सारा करना पड़ेगा, तभी आपको इंटीग्रेशन आएगा, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर इंटीग्रेशन बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्या करें, स्टार्टिंग के फेज़ में आप ये मत सोचो कि टफ है, ये सब कुछ नहीं है, आप सीखो 7.1 प्रश्नावली कैसे हो रही है, 2 कैसे हो रही है, 3 कैसे हो रही है, 2-3 प्रश्नावली जब सीख जाओगे ना, तो 4th-5th प्रश्नावली से क्या करो, सोचो भाई ये क्वेश्चन मुझे दे रखा है तो इस सूत्र के रूप में बन रहा है, क्या मैं किसी और वे में कर सकता हूँ इसको, थोड़ा सोचना पड़ेगा, और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना सीखोगे, आपका दिमाग उतना खुलेगा, और आपको फिर एक टाइम ऐसा आएगा क्वेश्चन देख के बोल दोगे ऐसा करूँगा, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वो आपका माइंड ही आपको बोल देगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बोलूँगा कि अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ठीक है, आप फार्मूला याद कीजिए, पहला काम यह है, तरीका तो आपको पता चल गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में 7.1 करेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब कुछ पढ़ा रखें, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, नई वाले भी और पुरानी वाले भी। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में।